गाइस वेलकम टू गुरुज किचन। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ और एक नया रेसिपी लेके। आज बनाएंगे परवल का सब्जी, इसमें स्टफिंग करेंगे। तो चलिए देखिए, बाहर में चल रहा है बारिश, तो बारिश का आनंद लीजिए और देखते रहिए गुरुज किचन और रेसिपी पे फोकस कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो सीधा चलते हैं किचन पे। तो देखिए ये परवल है, तो परवल को ऐसे एक ठो चम्मच के मदद से इसके पीछे से इसको छील लेंगे अच्छी तरह। तो परवल को थोड़ा अच्छा देख के लीजिएगा, जिसमें आसानी से इसके अंदर सबका सामान मतलब के स्टफिंग घुस जाए। तो ऐसे देखिए छील लिया इसको, छील के इसके बाद कट करेंगे। तो कट करेंगे ऊपर से थोड़ा सा कटिंग करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे। कट करके इसका जो चम्मच का पीछे वाला जो हिस्सा है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जितना भी इसमें इसका दाना वाना है सब इसको निकाल लेंगे। ऐसा करके देखिए एकदम इतना ऐसा जैसा हो गया, इसका अंदर होल हो गया। इसमें हम घुसाएंगे मसाला। तो चलिए इसी तरह सबको सारा का सारा परवल को हम काट लेंगे। तो दोस्तों देखिए सारा का सारा परवल को हम छील लिया और इसका अंदर से इसका जो बीज था, दाना था, उसको निकाल दिया। तो रेडी हो चुका है, इसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ करके अगला प्रोसेस जो है उसको दिखाएंगे। तो दोस्तों, तो ये जो परवल का अंदर का हिस्सा है, इसको हम क्या करेंगे, स्टफिंग बनाएंगे। तो परवल को तो पहले से हम दिखा दिए आपको, साफ करके इसको रख दिए, तो उसको फ्राई करेंगे। तो उससे पहले मैं इसका स्टफिंग बना लेते हैं। तो चलिए कैसे स्टफिंग बनाते हैं देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। तो चलिए पेस्ट करके लाते हैं। तो डाल दिया मिक्सी के जार में और इसको पेस्ट करेंगे। ढक्कन लगा दिया, इसको पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों बन गया इसका पेस्ट। तो इसको क्या करेंगे, इसको कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तो चलिए क्या करते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाल दिया है तेल, तो ये राइस ब्रैन ऑयल है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, तो घी भी डाल दिया इसमें। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आज घर का गरम मसाला ख़त्म हो गया इसीलिए पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए ये थोड़ा गरम हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें डालेंगे जो हमारा परवल का जो सीड्स था, उसको हम पेस्ट करके रखा था, उसको डाल देंगे इसमें। और इसको हम थोड़ा फ्राई करते जाएंगे, मसाला को भूनते जाएंगे। तो दोस्तों एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मसाला मिलाएंगे। मसाला में डालेंगे ब्लैक पेपर, चाहे आप लोग व्हाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। तो यहाँ पे धनिया और जीरा का गुड़ा और डालेंगे इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर। तो बगैर हल्दी का कोई काम अच्छा नहीं होता है, इसलिए हल्दी पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। एक बात बताना भूल गया दोस्तों, महंगाई का ज़माना है, कोई भी चीज़ हम लोग फेंकते नहीं, सब कोई इस्तेमाल कर देते हैं ताकि हम लोगों का थोड़ा बचत हो जाए। तो चलिए अभी क्या करते हैं, इसमें डाल देंगे, ये थोड़ा होने देंगे, फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन हट जाएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे छेना। तो पहले इसको थोड़ा भून लेते हैं। तो दोस्तों ये सूख गया है हल्का सा, तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मीठा। तो हर कोई मीठा खाना पसंद नहीं करते, हम लोग थोड़ा मीठा पसंद करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मीठा डाल दे रहे, थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसमें डाल देंगे घर का बना हुआ छेना। तो घर का बना हुआ छेना डालेंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। तो दोस्तों
स्टफिंग रेडी हो गया है। तो रेडी हो गया है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास है कुछ काजू, कुछ किशमिश, तो इसको हम तो थोड़ा बारीक काट लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए इसमें जो आम का जो ड्राई मैंगो होता है उसको हम थोड़ा काट लिया है, उसको भी इसके साथ मिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बंद करके इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग चाहे तो इसमें और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो रेडी हो गया है जो स्टफिंग, अभी अगला स्टेप करेंगे। तो चलिए अगला स्टेप करते हैं। तो स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे पंखा के नीचे और करेंगे अभी दूसरा स्टेप। तो चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी करेंगे क्या करेंगे, डाल देंगे ऑयल और उसके बाद करेंगे जो हमारा परवल है, ये जो हमारा परवल है इसको धो के रख दिया था, इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक के साथ इसको ऐड करेंगे, नमक इसमें तो डाल देंगे और थोड़ा नमक। नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि ये हल्दी डालने से थोड़ा काला काला जाता जैसा हो जाता है, तो काला नहीं बनाएंगे, सादा ही बनाएंगे। तो चलिए अभी ये 2-3 मिनट रख देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म होते होते 2-3 मिनट हो गया, तो हम लोगों का परवल रेडी है, उसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे करके छोड़ते जाएंगे। तो परवल का दोनों हिस्से को आपको फ्राई करना ट्राई करेंगे, तो इसका ऊपर का हिस्सा भी फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद पूरा परवल हो जाए उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो दोस्तों परवल देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, मतलब कि ये फ्राई होना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि कच्चापन हट रहा है, पक रहा है। तो और थोड़ा पकाएंगे इसको। तो दोस्तों परवल पूरा फ्राई हो चुका है और कच्चा नहीं है, इसको उठा लेंगे एक एक करके हम लोग। परवल का रेसिपी जो है बहुत टेस्टी होने वाला है, जो अभी बारिश का मौसम है इसीलिए और भी टेस्टी हो रहा है। तो ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है तिल और जिसको सेसमी सीड जो बोलते हैं आप लोग जानते हैं, ये नारियल है और यहाँ पे काजू, ये 4 पीस काजू है, ताकि ये हम ग्रेवी बनाएंगे इसलिए एकदम कम दाम वाला काजू ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा काजू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे है हरी मिर्ची और ये है जो सोना से, सोना पीतल वैसा कुछ नहीं है, ये हीरा से भी अभी बहुत महंगा हो गया है पोस्ट, तो इसको भी एक संग इसको हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों पेस्ट बन चुका है, देखिए तो पेस्ट बन गया है। अब अगला स्टेप करेंगे, तो उससे पहले अगला स्टेप करने से पहले थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं। चलिए बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों देखिए बाहर बहुत अच्छी तरह, देखिए कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का बैल्कनी नहीं है तो इसी से ही बारिश का आनंद लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बाहर का नज़ारा ऐसे ही दिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का ऐसा ही स्पेस है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा परवल रेडी हो चुका है, तो अभी इसका ग्रेवी होगा, तो उसके बाद तो इसमें अंदर जाएगा स्टफिंग। तो अगला स्टेप देखते हैं। तो बारिश का आनंद लीजिए। तो हम लोग बनाने जाते हैं अपना पोटल। तो चलिए। तो दोस्तों ये जो परवल है, परवल के अंदर मैं जो स्टफिंग था हम लोगों का पनीर का, वो स्टफिंग डालूंगा एकदम
धीरे धीरे स्टफिंग इसमें अंदर घुसाएंगे हाथों की मदद से। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो इसका ढक्कन है, ये ढक्कन को ऐसे लगाएंगे, लगा के टूथपिक के साथ इसको सील करेंगे। तो दो टूथपिक यूज़ कीजिए, मैं दो टूथपिक ही यूज़ करूँगा ताकि ये पूरा का पूरा मसाला अंदर से बाहर ना आ सके। तो इसी तरह देख सकते हैं लोग, इसी तरह सारे परवल को हम ऐसे लगा लेंगे। तो चलिए पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, सारा का सारा परवल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों का थोड़ा पॉकेट के लिए, पॉकेट का बारे में हम सोचा है, इसलिए टूथपिक को छोड़ दिया है ताकि आपको कम खर्चा में हो जाए। टूथपिक एक ही में डाला आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग चाहे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरे को क्या किया हम, और बाद बाकी जो जितना भी था उसका, जो परवल का जो ऊपर का हिस्सा था उसको देखिए ऐसे अंदर घुसा दिया। तो इसी से ही काम चल जाएगा, ग्रेवी में ही डालना है और ये निकालेगा नहीं, तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो चलिए, ये तो रेडी हो चुका है, अभी बनाते हैं इसका ग्रेवी। तो चलिए ग्रेवी बनाते हैं। तो कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। तो दोस्तों, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे तेजपत्ता और डाल देंगे दालचीनी, दो तीन दालचीनी और दो इलायची, इसको हाथ से तोड़ के इसमें डाल देंगे। अभी बारी है दोस्तों जो हम लोगों का पेस्ट को डालने की, तो अभी डाल देंगे पेस्ट। सारा का सारा पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह चलाते रहेंगे। हल्का सा घी ऐड करेंगे इसमें, ये घर का बना हुआ घी है इसलिए थोड़ा कलर डिसकलर लग रहा है, मगर बहुत अच्छा है और एरोमा भी अच्छा है, खाने भी अच्छा है। तो चलिए इसको अच्छी तरह मिलाते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे हम लोग, जिसमें जो पिसा हुआ मसाला था उसी में थोड़ा पानी डाल दिया मैंने और इसको थोड़ा इसमें डाल देंगे, डाल के इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। दोस्तों, एक एक करके इसमें मसाला डालेंगे। पहले डालेंगे धनिया और जीरा का गुड़ा एक चम्मच, ये दोनों मिक्स हुआ है, धनिया और जीरा एक संग। डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, अभी डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बगैर हल्दी का कोई चीज़ शुभ नहीं होता है, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, डाल के फिर से इसको मिलाते जाएंगे। अभी डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा अदरक, पिसा हुआ अदरक, प्योर वेज है इसलिए इसमें लहसुन भी नहीं जाएगा, बगैर लहसुन का ही बनाएंगे हम लोग। तो इसको चलाते रहेंगे। और कुछ देर इसको चलाते रहेंगे ताकि मसाला एकदम भून जाए, उसके बाद और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा दही डाल देंगे इसमें और फिर से इसको चलाते रहेंगे कढ़ाई में। बहुत अच्छा एरोमा आना स्टार्ट कर दिया, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हल्का सा पानी डालेंगे ताकि इसका मसाला जल ना जाए। तो चलिए फिर से इसको कढ़ाई में चलाते रहें। जिन लोगों को थोड़ा मीठा खाना पसंद है, इसमें थोड़ा सा इसका टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हल्का सा मीठा देना पड़ेगा, मतलब कि शक्कर, तो थोड़ा सा हम इसमें शक्कर डाल दिया
तो हल्का सा शक्कर डाल के इसका टेस्ट भी और भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर से इसको हम मिलाते रहेंगे, कढ़ाई में मिलाते रहेंगे, मिलाते मिलाते देखिए इसका ग्रेवी भी थोड़ा ठीक होने स्टार्ट कर दिया। और दो एक मिनट चलाते रहेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। तो पानी डाल के और कुछ देर इसको रखेंगे, उसके बाद ग्रेवी में डाल देंगे हम लोगों का परवल को। और थोड़ा पानी का ज़रूरत है, थोड़ा पानी इसमें मिला देते हैं। तो अभी इसको छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि इसका ग्रेवी पूरा एकदम रेडी हो चुके। तो रेडी होने के बाद इसमें डालेंगे परवल। तो देखिए दोस्तों, ये रेडी हो चुका है अभी, और थोड़ा देर रखेंगे इसको। तो दोस्तों अभी एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट है थोड़ा सा मैदा इसमें गुला मिला के रखा है पानी में, वो इसके संग हम मिलाएंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो देखिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर लगा दिया, तो इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। मिलाने के बाद डाल देंगे इसमें, ताकि इसका जो ग्रेवी है एकदम थोड़ा सा ठीक बने। ठीक बनने से उसका जो स्टफिंग है वो एकदम ही नहीं निकलेगा। तो चलिए ये रेडी हो गया है, तो अभी इसको थोड़ा और देर मिला देता हूँ और एक बार, ताकि इसको ग्रेवी थोड़ा ठीक हो जाए। तो देखिए ठीक होना स्टार्ट कर दिया है, देखिए एकदम ठीक हो रहा है। तो अभी इसको डालेंगे परवल में। तो ग्रेवी को ले लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे परवल का गमला। तो ग्रेवी को डाल देंगे, डाल के इसको कुछ देर तक इसको रख देंगे। अभी ये तो और 2 मिनट रखने से ये रेडी हो जाएगा, तो सर्व कर देंगे। तो दोस्तों आज का रेसिपी रेडी हो चुका है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।